गाइज वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टकपोक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि बोट की वे प्रो 47 जो कि रिलीज़ हो चुकी है, सेल पे जा चुकी है अमेजोन पे 3199 रुपीज़ में, जो कि मेरे को ज़्यादा लगा प्राइस, उस प्राइस पे मिल रही है। और बोट की वॉच एक्सटेंड आपकी अगेन अमेजोन पे है 3000 रुपीज़ इसका प्राइस वैसे चल रहा है 2999 रुपीज़ में। और वैसे कभी कभार बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए 2499 रुपीज़ में हो जाती है, बट अभी तो बहुत टाइम से नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है दोनों में ही, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी देने वाला हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी एक्जैक्टली मिल सके। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। शॉप सी एप्लीकेशन से शॉप करना मत भूलिएगा अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करना चाहते हो, क्योंकि बोट की वे 47 फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुकी है, आज आई गेस सेल पे जा चुकी है वो, तो 2899 रुपीज़ में मिल रही है। बट अगर आप उसको शॉप सी से बाय करते हो तो और कम प्राइस में आप उसको ले सकते हो, 2899 आई गेस मिल रही है, तो शॉपसी पे आपको करीब करीब 180 रुपीज़ तक का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अगर आप उसको बुक करते हो और जैसे रिटर्न पीरियड ख़त्म होता है 7 डेज़ का, आप 180 रुपीज़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ में शॉपसी एप्लीकेशन से अगर मेरी लिंक से इंस्टॉल करते हो शॉपसी एप्लीकेशन, तो 50 रुपीज़ का अगेन आपको जो डिस्काउंट बोनस है वो और एड ऑन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन को। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पे 1.69 इंचेस की 240x280 पिक्सल्स वाली रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, रेस टू वेक भी मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे कर्व ग्लास यूज़ किया गया, प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, बट यहाँ पे जो शार्पनेस है 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो कहीं ना कहीं बोट प्रो 47 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंड। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है हमारी ये बोट की प्रो 47 एज़ कम्पेयर टू बोट की वॉच एक्सटेंड। और वॉच केस की बात में करूँ तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच केस आप दोनों में ही लगा सकते हो, गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच केस लगा सकते हो, ये फीचर दिया गया है दोनों ही वॉचेस में। और अपनी पिक को भी एज अ वॉच केस आप लगा पाओगे। अब बात आती है फिटनेस मोड्स की, तो प्रो 47 में मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, बट अभी एक्जैक्टली रिवील नहीं किया है कि कितने मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन पेज पे भी नहीं मिला मेरे को, तो यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता। एक्शन में आपको 14 मिल जाते हैं स्पोर्ट्स मोड, और उसी के साथ साथ IP67 की रेटिंग मिलती है प्रो 47 में, बहुत ही बेकार है। आई डोंट नो यहाँ पे IP67 की रेटिंग किस लिए दी इन्होंने, जब पूरा का पूरा शट डाउन है वॉच, मतलब पूरी पूरी पैक्ड है, उसके बावजूद 5 ATM क्यों नहीं दे रही है। बोट की वॉच एक्सटेंड बेटर है, 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग मिलती है, 50 मीटर अप टू 30 मिनट तक समर्ज कर सकते हो, डीप सेमी के लिए बनी हुई है, शाल ले सकते हो उसको पहन के आप प्रॉपरली, तो ये मेरे को बेटर लगा बोट की वॉच एक्सटेंड का। आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों की सिमिलर है, डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं, HR के लिए ग्रीन एक्शन का, SPO2 के लिए रेड एक्शन का बटन मिल जाता है, मतलब सेंसर मिल जाता है, एक्सेलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट सेंसर, जायस्को सेंसर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बेसिक चीज़ें आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता, बट वाइब्रेशन थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी कॉल को कट म्यूट कर पाओगे दोनों में ही, और फुल टच पैनल है। बोट वॉच एक्सटेंड थोड़ा सा लैग करती है, यस इसका UI थोड़ा सा लैगी है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रो 47 में इतना लैग नहीं मिलता है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन ये एक्सटेंड में अवेलेबल है, बट प्रो 47 में आई डोंट नो वेदर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। मैंने एक्चुअली अलग से ही पूछा था उस पेज पे, जो एक डिस्क्रिप्शन पेज के नीचे एक होता है ना ऑप्शन पूछने का कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकते हो, तो वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे अवेलेबल है नहीं वेदर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ 5.9 फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सटेंड में सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो है एलेक्सा बिल्टिंग, यस इसमें माइक मिल जाता है और एलेक्सा अच्छा काम करता है। प्रो 47 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट प्रो 47 में एक चीज़ है जो एक्सटेंड में नहीं है, वो है टेम्परेचर मॉनिटर, तो यहाँ पे प्रो आगे निकल जाती है उसमें, बट फीचर्स के मामले में। और एंड्रॉइड या iOS पे दोनों ही बेयर हो जाएंगी। अब बात आती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट दोनों में अलग अलग UI यूज़ किया गया है, और सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो एक्जैक्टली तो बताई नहीं है, प्रो 47 में एक्सटेंड में एक्सपेक्टेड 300 mAh हो सकती है, 30 दिन का स्टैंड में टाइम दोनों ही वॉचेस लेती हैं देती हैं, और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज होने में ले लेती हैं, 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया है प्रो 47 में, यहाँ भी पीछे रह आती है प्रो 47 एक्सटेंड में 12 दिन का मिलता है बैटरी लाइफ। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात करो तो सारे सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो 5 से 8 दिन तक चल जाएगी दोनों ही वॉचेस, डिपेंड करती है यूजेस पैटर्न पे। और अगर आपने सारे सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें तो 3 से 4 दिन आपकी प्रो 47 चल जाएगी, एक्सटेंड आपकी 5 से 6 दिन रन कर जाएगी। अब बात कर लेते हैं मेन फीचर्स की, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, एक्सटेंड में स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन भी मिलता है जो कि प्रो 47 में, टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन, और सैनिटरी रिमाइंडर, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स मोड भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे प्रो 47 या एक्सटेंड, यहाँ पे कहीं ना कहीं 54 grams की आपकी प्रो 47 एक्स कम्पेयर टू एक्सटेंड एज इट इज सिमिलर मिलती है आपको, 22 mm का स्ट्रैप साइज एक्सटेंड में, प्रो 47 20 mm का है,
सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है अच्छी है, स्किन फ्रेंडली मेटल से बनी हुई है और वॉच डायल मेटल का है प्रो फिट सेवन एज कम्पेयर टू एक्सटेंड में आपको वॉच डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का मिलता है तो स्लाइटली यहाँ पे बेटर परफॉर्म करती है प्रो फिट सेवन। बट यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस ब्रैकेट की तो प्रो फिट सेवन या एक्सटेंड दोनों में से प्राइस किसका कम है किसका ज़्यादा, एक्सटेंड का डेफिनेटली प्राइस कम है एज कम्पेयर टू प्रो फिट सेवन। बट यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगी, अगर आपको लो प्राइस में बाय करें तो शॉपसी एप्लीकेशन के थ्रू आप बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरा कंक्लूजन सुन लीजिए, पहले आपको स्ट्रेट अवे एक्सटेंड को चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है पहला, दूसरा एलेक्सा बिल्डिंग मिल जाता है आपको और फीचर्स ज़्यादा हैं, 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग मिलती है, सेंसर्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। बोट की प्रो 47 कई लोगों ने 1500 में भी बाई की है, उस प्राइस में ये लूट डील है तो आप ग्रैब कर सकते हो। बट आई डोंट नो यहाँ पे मतलब एक बार डील आई थी मेरे पास भी, बट मैंने उस टाइम बाय नहीं कर पाया था तो वो रह गया था, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको वो डील शेयर करता, तो स्टॉक आउट हो गई थी उस टाइम, कुछ टाइम के लिए रही थी 1499 रुपये में। बट इसका प्राइस अब बहुत ज़्यादा है, इस प्राइस में मैं रिकमेंड नहीं करता 3199 रुपये में। आई नो टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है बट IP67 की रेटिंग कौन देता है, कम से कम IP68 या 5 ATM देना चाहिए था इनको तो वो नहीं दिया है, तो इस वजह से मैं प्रो 47 को कट करता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड को यहाँ पे विनर घोषित करता हूँ। तो गाइस ये था मेरा डिडाउन कंपैरिजन बोट की वॉच प्रो 47 मेड इन इंडिया वर्सेस बोट की वॉच एक्सटेंड जो कि आपकी इमेजिन टेक्नोलॉजी से इंपोर्ट करेगी थ्रू चाइना, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है दोनों में ही। और गाइज सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।